मासूम बच्चों का मुस्कुराता चेहरा, बजती तालियां और खिलखिलाहट का यह दृश्य राजसमंद जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तारोट गांव का है। जी हां, यहां पर ऑस्ट्रिया में प्रवासरत ज्योति कोठारी ने राजसमंद की मातृभूमि पर शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा हाथ में लिया है। पिछड़े गांव को गोद लेकर हर विद्यार्थी की वर्ष भर की जरूरतों का ख्याल रखने वाली ज्योति ने इस बार तारोट विद्यालय को गोद लेकर विद्यार्थियों को शैक्षिक व सशैक्षिक सामग्री दी है। ज्योति व उनके पति दिलीप कोठारी ने 165 विद्यार्थियों को बैग, पोशाक, स्वेटर, ज्यामिति, जूते, मोजे, बेल्ट, टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल के किट वितरित किए। स्कूल में बेंच, टेबल, अलमारी, जाजम, पुस्तकें, दरी पट्टियां, वाद्य यंत्र सहित कई संसाधन उपलब्ध करवाए। भवन की रंगाई पुताई के लिए 31,000 रुपए नकद सहायता राशि भी दी है। इसके अलावा गोद लिए गए स्कूलों के 12 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति की राशि भी दी गई। ज्योति ऑस्ट्रिया में इंडियन फूड बनाकर जो पैसा कमाती हैं, उसे वह इन स्कूलों की शैक्षिक प्रशैक्षिक व्यवस्थाओं में खर्च करती हैं। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। सातोदा पंचायत के पुराने विद्यालय तारोट के अंदर मैं आ रहा हूँ, जो कि मेरे समय में ये बना हुआ विद्यालय है। ज्योत्सना मेरी बच्ची थी, वो बाहर विलायत के अंदर उनके पति काम करते थे, वो उनके साथ रहती थी, तो उनको देख के ये दिमाग में आता था कि पापा मैं आपके क्षेत्र के अंदर शिक्षा के अंदर कुछ योगदान देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी सोच को और कंवर साहब दिलीप जी की सोच को। हम करीब 4-5 लाख रुपया पर स्कूल के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं। तो आप बहनों को सुनकर के ताजुब होगा कि ये वहां पर प्राग के अंदर एक रोटरी क्लब है, उसकी ये सदस्य है और इसका पैसा ये स्वयं इकट्ठा करती है और उसका उसने तरीका ढूंढा कि मैं इंडियन फूड बना करके यहाँ के लोगों को खिलाऊं और उससे जो इनकम होगी उस इनकम से मैं स्कूल के खर्च को विकास के अंदर खर्च करूं। इतनी बड़ी सोच है कि उस रोटरी क्लब के अंदर भी ये स्वयं अपने जिस जगह ये रहती है ऑस्ट्रिया के अंदर, वहां पे इंडियन फूड का अपने 2 बार साल में ये प्रोग्राम करती है और उसमें उसके ऊपर उनको कहती है ये मैं पैसा आपसे इसलिए ले रही हूँ कि ये मैं वह गांव में हमारे स्कूल के ऊपर इसको खर्च करूंगी। मैं अध्यापक बंधुओं से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि ये विद्यालय शिक्षा के लिए नहीं है, इन बालकों के संस्कार के लिए भी है। ये संस्कार की प्रयोगशाला बनाए आप इसको, हमारा निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ज्योति ने कहा कि भविष्य में वह स्किल डेवलपमेंट की दिशा में कार्य करेगी। इसके लिए इन स्कूलों में बच्चों की रुचि के अनुरूप ट्रेनर नियुक्त किया जाएगा ताकि विद्यालयों के छात्र छात्राएं अपने हुनर के अनुरूप अपनी स्किल विकसित कर सकें। तारोट विद्यालय में एक समारोह पूर्वक शैक्षिक सशैक्षिक सामग्री विद्यालय व छात्रों को वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद यमुना शंकर दसोरा थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी गुणसागर कर्णावट ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजसमंद पंचायत समिति के विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान, महेंद्र कर्णावट, ज्योति कोठारी, दिलीप कोठारी, वरिष्ठ साहित्यकार अफजल खां अफजल थे। कार्यक्रम में मंच द्वारा दिनेश श्रीमाली का भी सम्मान किया गया। श्रीमान दिलीप जी कोठारी साहब जो बेसिकली नागद्वारा के रहने वाले हैं और उनको जो इस कार्य के लिए प्रेरित करने वाली आज के हमारे इस कार्यक्रम की धुरी या मेन फोकस जिसको लेकर के हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, श्रीमती ज्योति जी की मुझे पता चला है। मैंने पूछा कि मैम का क्या क्या इंटरेस्ट रहता है, तो मैं आप सभी को इस मंच से बताना चाहूंगा कि खाना बनाने में
एक सफल गृहिणी किस तरह से, जैसे हम सभी लोग अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हैं, और मुझे मेरे एक बुजुर्ग परिवार में बताते हैं कि खाना दो का ही अच्छा लगता है, या तो जरनी या परनी, समझते हैं ना मारवाड़ी में, जरनी यानी जन्म देने वाली और परनी जिसके साथ आप शादी करके आते हैं, खाना दो का सबसे अच्छा लगता है दुनिया में। तो ज्योति मैम ने आज वो साबित कर दिया है कि अपने हाथ से खाना बना करके एक पहले कोठारी साहब को खिलाया, फिर प्रचार किया दुनिया में, परिवार में तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में प्रचार करना कि पतिदेव से पूछो खाना कैसा बनता है, और फिर उसको क्लब के माध्यम से और अपने कंट्रीब्यूशन से कि आप खाना खाओ, और मैं लोग कहते हैं साथ नहीं हम पेमेंट करेंगे इस ओकेजन पर, तो पेमेंट का पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरे जन्मभूमि में जहां मैं फर्स्ट टू टेंथ तक पढ़ी गांधी सेवा सदन, उस स्कूल उस राजसमंद के गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में अपना पैसा खर्च करूंगी। तो एक बहुत बड़ी सोच हमारे लिए है, मैं आप सभी से कहूंगा एक बार बालकों से जोरदार तालियों के साथ ज्योति मैम का स्वागत करें, जो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि इस तरह की सोच लेके आप मैम हमारे बीच में उपस्थित। मातृभूमि में शिक्षा की अलग जगाने के लिए ज्योति कोठारी को आखिर कहां से प्रेरणा मिली और किस तरह से यह मुहिम शुरू की गई, और यहां विद्यालय के शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। ये हमारा 18वां स्कूल है और ज्योति कोठारी चैरिटी प्रोग्राम हमने 2006 से पहला स्कूल ओडिया का लिया था, प्राइमरी स्कूल, और उससे पहले से मैं काम कर रही थी 2003 से, लेकिन कोई नाम नहीं दिया था प्रोग्राम को। तो जब पहला स्कूल लिया तो उन्होंने पूछा आपकी संस्था का नाम क्या है, तो मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि कुछ नाम भी होता है, तो मैंने उनसे कहा कि ज्योति कोठारी चैरिटी प्रोग्राम। तो बस इसी तरीके से ये 40 बच्चों से जो कार्यक्रम चालू हुआ वो 350 बच्चों तक का हमारा पहुंचा, जहाँ पे हमने 1.5 लाख से चालू किया, तो आज हम लोग 7-8 लाख तक का खर्चा कर पा रहे हैं, और ये सारा जो मेरी तो खुद की मेहनत है ही है, इंडियन वेजिटेरियन कुकिंग मैं वहाँ सिखाती हूँ और चैरिटी लंच करती हूँ, उसके अलावा रोटरी क्लब प्राग इंटरनेशनल जो है वो मेरे सहयोगी हैं, हमारे परिवार और कई मेरे दोस्त हैं जो मेरी इसमें मदद करते हैं, काम करके वॉलंटियर बन के एक टीम बन गई है, यहाँ भी हमारे जो कुछ 10-12 लोग हैं जो मेरी टीम बन गए हैं, वो स्कूल का सर्वे करने में, उनके स्कूलों में क्या क्या ज़रूरत है उसके लिए सारा मुझे ईमेल से फ़ोन से बताते रहते हैं, और हम उसके ऊपर कार्य करते हैं। अभी आने वाले समय में मेरा उद्देश्य यही है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, ताकि बच्चे 10th से लेके बाहर निकलते हैं तो उनके पास में कोई हुनर हो जिससे कि वो अपना कमा के खा सके। इस दिशा में मैंने 2-3 लोगों से बात की है, तो हमारी इच्छा यही है कि हम टीचर को ही वहाँ भेज दें, ताकि 2 बच्चे नहीं और कई बच्चे वो सीख सकें उस चीज़ को, तो कंप्यूटर सीखें या कोई भी, हमारा फोकस यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखें, और टीचर्स को भी हम यही कह रहे हैं कि उनके बच्चे अगर टैलेंटेड हैं, कुछ आता है उन्हें, तो हमें वो क्लिप्स बनाकर भेजें जिससे कि हम उन्हें आगे फंड्स जुड़ाने में मदद करेंगे। जैसे एक बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसको हमने 3 साल से हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। इसी तरह जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटी में मेरिट रैंक के हैं, मेरिट होल्डर हैं, या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो उसको हम मदद करेंगे। ये जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा सबसे पहले मेरी माँ से, मेरे दादाजी से और मेरे पिता से, और उसके बाद जो सहयोग में है, जो इंस्पायर करते हैं, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरी पूरी फैमिली। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार अफजल खां पठान, साकरोदा सरपंच प्रतिनिधि किशन गुजर, उप सरपंच मोहन सिंह, शिवदास वैरागी, कार्यक्रम अधिकारी राजेश घोराणा, ममता सोनी, शंकर सिंह खरवड़, चंद्र प्रकाश श्रीमाली आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश श्रीमाली ने किया। सब दैनिक मजदूर वाले पेरेंट्स हैं, उनको काफी राहत मिलेगी और बच्चों का स्कूल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, स्कूल आने का मन बनेगा उनका, और स्कूल के लिए हर तरह से सकारात्मक कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है हमारी तरफ से।